बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुसैन आमिर, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं चपली कबाब। तो इसके लिए यहाँ पे हमने 1 किलो कीमा लिया है, थोड़ी सी इसमें चर्बी पिसवा ली है, ये मशीन का कीमा है। इसके अलावा हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टीस्पून हमने लिया है यहाँ पर लहसुन का पाउडर, और 1 टीस्पून यहाँ पर लिया हमने अदरक का पाउडर, ये इसमें ऐड कर देते हैं। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप पिसा हुआ अदरक लहसुन भी इसमें ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें अजवाइन जाएगी 1/2 टीस्पून, ज़ीरा जाएगा यहाँ पे 1/2 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर जाएगा इसमें 1/2 टीस्पून, अमचूर पाउडर जाएगा इसमें 1 टीस्पून, कुटी हुई मिर्चें जाएंगी इसमें 1 टीस्पून, मिर्चें आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें नमक जाएगा 1 टीस्पून, भुना हुआ कुटा हुआ कुटा जीरा यहाँ पे साबुत धनिया जाएगा इसमें 2 टीस्पून, अनार दाना जाएगा इसके अंदर 1.5 टेबल स्पून, इसको थोड़ा सा कूट लिया है। इसके अलावा इसमें जाएगा धनिया 6 से 7, हमने यहाँ पे स्टिक लेकर धनिया की इसको कट करके रखा हुआ है। पुदीना भी हमने इतना ही लिया है 6 से 7 स्टिक, इसको भी कट करके रख लिया है। टमाटर लिया था हमने एक बड़े साइज़ का, और इसके बीज यहाँ से रिमूव कर दिया और इसको भी कट कर लिया है, ये भी इसमें डाल देते हैं। इसके अलावा एक बड़े साइज़ की प्याज लेकर हमने इसको चॉप कर लिया था, और इसका पानी हमने अच्छे से इसको दबा दबा के पानी इसका निकाल दिया है, ये भी इसमें ऐड कर देते हैं। हरी मिर्चें ली हमने छोटी वाली, तेज़ वाली, आपकी मर्ज़ी आप छोटी लें या बड़ी, इनको बिल्कुल बारीक हमने कट कर लिया है 6 से 7। इसमें जाएगा मकई का आटा 5 टेबल स्पून, एक अंडा जाएगा इसके अंदर, और इन सब चीज़ों को डाल के अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसको हाथ से ही मिक्स करना है, इसको हाथों की मदद से ही बहुत अच्छे से मिक्स करना है। ये देखें, इस तरह करके तकरीबन 5 से 6 मिनट तक आपको हाथों से इसको मिक्स करना है, ताकि इसमें एक लेस सा पैदा हो जाए, और इसको तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए हम मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। जब आप प्याज का पानी इसमें से निकाल देंगे और टमाटर के जो बीज हमने रिमूव कर दिए हैं, तो इस तरह कीमे में पानी नहीं होगा बिल्कुल, ये ऐसे ही का ऐसे ही रहेगा। बस ये मिक्स हो गया है, अब इसे रख देते हैं 1 से 1.5 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए। कीमे को मैरिनेट हुए हुए 1.5 घंटा हो गया है, अब हम इसके कबाब बना लेते हैं। हाथ पे थोड़ा सा हम पानी लगाएंगे, और जितना बड़ा या छोटा हमें कबाब बनाना होगा हम उतना ही इसको बनाएंगे। कोशिश कीजिएगा कि थोड़ा पतला बनाएं आप। अगर आप इसमें लाहौरी नमक भी ऐड कर देंगे तो बहुत ही अच्छा इसका जायका आएगा। ये देखें, इस तरह करके बस पतले पतले से हमें बनाना है। ऑयल हमने गर्म पे रख दिया है, देखिए बस इस तरह ये रेडी हो गए। बस अब हम इसको डालते हैं फ्राई करने के लिए, फिर आपको दिखाते हैं। ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो गया, अब हम इसमें कबाब डाल देते हैं, दूसरा बना लेते हैं, दूसरा भी ऐड कर देते हैं। ये देखें, कबाब हमने पतले और बड़े साइज़ के बनाने की पूरी कोशिश की है यहाँ पर, ये देख सकते हैं आप। इसको हम दबा के और पतला कर लेते हैं। फ्लेम हमने मीडियम किया हुआ है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिए, ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के यहाँ पे कबाब तैयार हो रहे हैं। इसके मेन इंग्रेडिएंट्स जो लाजमी इसके अंदर पड़ते हैं, उसके अलावा उसके बाद अगर हम वो नहीं डालेंगे तो उसमें कोई भी जायका नहीं आएगा, तो वो है अनारदाना, मकई का आटा, अजवाइन लाजमी पड़ती है। इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी होती है, फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त होता है, और साबुत धनिया जो कूट कर हम डालते हैं, ये इसके मेन लाजमी इंग्रेडिएंट्स हैं। ये देखें, इंशाल्लाह कबाब बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। कबाब एक साइड से अच्छे से हो गए, अब हम इसकी साइड चेंज कर देते हैं। ये देखें, ज़बरदस्त कबाब बने बिल्कुल। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे प्लीज़ कमेंट कीजिएगा।
ये देखिए दूसरे साइड से भी कबाब बहुत अच्छे से फ्राई हो गए हैं। बस अब हम इन्हें निकाल लेते हैं, फिर आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। ये देखिए मज़ेदार किस्म के चपली कबाब बनकर तैयार हो गए हैं, अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।